पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने तीखे तेवर के लिए मशहूर हैं। ममता ने इस बार अपने खास स्टाइल में महामहिम यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लगभग चेतावनी वाले अंदाज में दो टूक कह दिया है कि चुनी हुई सरकार से पंगा लेने की कोशिश ना करें। बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्यपाल संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं इस पद का सम्मान करती हूं, लेकिन उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती हूं। राज्यपाल को निशाने पर लेकर ममता चुप नहीं बैठी, बोली मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन की एकता को देखकर बौखला गया है। ममता ने दावा किया कि बहुत मुमकिन है कि बीजेपी इसी साल के अंत में यानी दिसंबर में लोकसभा चुनाव करवा दे। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि बाकी राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल ना कर पाए। ममता बनर्जी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका जता चुके हैं। विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार तीन राज्यों के चुनाव नतीजों के तुरंत बाद इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। मुमकिन है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो चुनाव वक्त से पहले होंगे ही होंगे, और कहीं मामला बिगड़ता है तो तय वक्त यानी अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं।